शब देख, अज्जा बकरे का गोश्त 1 किलो, सफेद बेलजम आधा किलो, गाय का कीमा आधा किलो, दही 1 प्याली, तेल 1 प्याली, टमाटर 3 अदद, प्याज 3 अदद बारीक कटी हुई, नींबू 3 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, गाजर 4 अदद, हरा धनिया थोड़ा सा, हल्दी 1 चाय का चम्मच, सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ चीनी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच पिसी हुई, चने 1 खाने का चम्मच, भुने हुए गर्म मसाला 2 चाय का चम्मच पिसा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने का चम्मच, धनिया 2 खाने का चम्मच पिसा हुआ, नमक हसबे जायका। तरकीब, सबसे पहले शलजम और गाजर को छीलकर 4-4 टुकड़ों में काट लें। अब गोश्त को धोकर साफ करें और साथ ही हरा धनिया और हरी मिर्च को बारीक काट लें। इसके बाद देगची में तेल, गोश्त, प्याज, हल्दी, लाल मिर्च, पिसा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और इतना पानी डालें कि गोश्त गल जाए। इसे हल्की आंच पर रखें और गोश्त गल जाने पर चूल्हा बंद कर दें। फिर भुने चने और जीरा बारीक पीस कर कीमे में मिला दें। साथ ही पिसा गरम मसाला शामिल करके कीमा पीस लें और छोटे छोटे कोफ्ते बनाकर हल्का सा तल लें। इसके बाद इसी तेल में शलजम और गाजर भी तल लें। अब गोश्त वाली देगची में दही, चीनी और टमाटर डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें कोफ्ते, गाजर और शलजम डालें और 3 से 4 ग्लास पानी के साथ हल्की आंच पर दम दे दें। जब तेल ऊपर आने लगे तो हरा मसाला और नींबू का रस शामिल करके मजीद 5 मिनट दम पर रखें और गरम गरम नान के साथ सर्व करें।